अड़ाजन चार रस्ता पासे टाइटेनियम स्क्वेर बिल्डिंग में आवेला एसबीआई बैंक नी बाजुमना एटीएम मशीन माथी अजाण्यो लाखों रूपया मत्ता चोरी करी गयो नो बनाव पुलिस मथके नोंधवा पाम्यो छे। डांगीरपुरा खाते राजंस रेसिडेंसी में रहता रणजीत वसावे जणाव्यु हतुं के अड़ाजन एसबीआई बैंक खाते पोते ब्रांच मैनेजर छे। अड़ाजन चार रस्ता पास टाइटेनियम स्क्वेर बिल्डिंग में आवेला एसबीआई बैंक की शाखा की बाजू एटीएम मशीन अजाण्य कोई चोरी समय निशान बनावी एटीएम मशीन में रोकड़ा 28,09,600 में 24,20,500 रूपया चोरी कर भागी छूटो। नमस्कार, मैं प्रशांत सुमेर, इंचार्ज डीसीपी जोन 4 सूरत। कल अड़ाजन पुलिस स्टेशन के हद में एसबीआई के एक एटीएम में एक चोरी हुई है ऐसा सामने आया। इस चोरी का विगत ऐसी है, 23 तारीख को रविवार के दिन ने दोपहर को 2:40 के आसपास एटीएम के अंदर एक आदमी जिसने छतरी और रेनकोट दोनों साथ में लेकर अंदर आता है और उसके बाद एटीएम मशीन खोल कर उसके अंदर से अलग अलग नोट वो निकालता है और वो लगभग अमाउंट 24,20,000 जितनी है और वो पैसा लेकर वो वहाँ से चला जाता है। ये बनाव 2 दिन बाद इस बैंक के जो मैनेजर है उनके ध्यान में आता है और वो कल हमारे पास आए। उसके बाद हमने आईपीसी 380 के तहत गुनाह दाखिल किया अजन एसएम के खिलाफ और इसके ऊपर हम अलग अलग दिशा में तपास कर रहे हैं, जैसे कि सीसीटीवी हम चेक कर रहे हैं और ये जो मशीन है इसको खोलने का एक्सेस किसके पास था, वो कैसे काम करते थे, इस प्रकार से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे आगे कोई प्रगति होगी हम आपको बताएंगे। सर, जो पैसे निकालने की जो स्टाइल है, क्योंकि वो इजीली पासवर्ड डाल के एकदम इजीली खोल रहा है, वो सीसीटीवी में दिख रहा है, और जो एजेंसीज वहाँ पे पैसे डिपॉजिट का काम करती है, तो क्या पूरी बात है? एजेंसी में कोई सामने आया कि भाई ये बंदा है, किसी ने आइडेंटिफाई किया है उसको? अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन हम हर दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि इतना इजीली एक्सेसिबल कोई कर पाता है तो वो कौन हो सकता है, इसके बारे में भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आशा रखता हूँ कि जल्दी से जल्द इस चोरी का तपास और मुद्दामाल के साथ हम आरोपी को पकड़ लें। सर, तकरीबन 28 लाख रुपए जमा कराए गए थे शनिवार को और उसमें से 24 लाख की चोरी हुई है। यस, शनिवार को लगभग 20 लाख रुपए जमा करवाए गए थे और उस वक्त टोटल बैलेंस 40 लाख के ऊपर था एटीएम के अंदर का। जब कल अचानक से एटीएम में ट्रांजेक्शन होना बंद हुआ तब ब्रांच की तरफ से जाकर चेकिंग हुआ कि अचानक ट्रांजेक्शन क्यों कम हुए, तो एटीएम का बैलेंस तो ज़्यादा बता रहा था लेकिन एटीएम में पैसे कम थे, तो फिर सामने आया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद ये पता चला कि इस आदमी ने ये काम किया होगा। हाँ, तो बनावांगे अड़ाजन पुलिस लाखों रुपया चोरी नो गुनो नोंधी तपास हाथ धरी है। अजहर कुरैशी, जी24 न्यूज़।